गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की हेडिंग दीजिए और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम मैंने बात की थी मल्टी लेवल गवर्नेंस की, जो पाकिस्तान में ये तीन टीयर्स ऑफ गवर्नेंस है, फेडरल, प्रोविंशियल और उसके नीचे फिर हमने लोकल गवर्नमेंट्स का भी काफी जायजा लिया। अब इन तीनों लेवल्स के ऊपर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं बिटवीन द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। देर आर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, देर आर पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, एंड देन ऑफ कोर्स देर आर एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस। पहले तो ये तफरीक आप समझ, चलें बारी बारी करके चलते हैं और फेडरल से स्टार्ट करते हैं। फेडरल पे और फेडरल की एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं। फेडरल की एग्जीक्यूटिव पे जो सबसे बड़े दो इदारे हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट एंड देन द प्रेजिडेंट्स सेक्रेटेरिएट। अब मैं इन आप लोगों को मैडम फरा ने पूछा है टॉपिक, टॉपिक जी आप लिख दीजिए गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, या आप इसको लिख दीजिए इसको लिख दीजिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। पूरे मुल्क का हम इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ढांचा जो है हमारे इंस्टीट्यूशन का, इदारों का, वो पूरे मुल्क का ढांचा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो आपके फेडरल पे जो एग्जीक्यूटिव के टॉप दो इदारे हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एंड देन प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। अब जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है, अब मैं एग्जैक्ट नोट्स नहीं वर्ड्स में लिखवा रहा, वो आप कुछ नोट्स जो मैंने प्रोवाइड भी पिछले लेक्चर में किए थे उसके अंदर भी कुछ बातें शायद लिखी हूँ। मैं सिर्फ लेक्चर मोड में समझाऊंगा कि किसका क्या फंक्शन है, और एग्जाम में आपको कभी इस तरह का सवाल नहीं आएगा तो कि आप इन सब इदारों को इकट्ठा इनके फंक्शंस लिखिए, ऐसा सवाल कभी आया नहीं आज तक और आना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। तो इसलिए सिर्फ बस समझ लीजिए कि हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पाकिस्तान का क्या है। ये दोनों आपकी टॉप नॉच पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्रेजिडेंट सेक्रेटेरिएट, जिन जिन चीजों में एज पर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान Prime Minister is the head of the chief executive of Pakistan, is the head of the executive. यानी पूरे मुल्क में जो भी executive branch के employees हैं, इदारे हैं, उन सब के ऊपर एक head है, वो है Prime Minister of Pakistan. तो since he is the head of the executive, तो सारे वो policy proposals जिनको कोई executive assent चाहिए या executive approval चाहिए, तो वो ultimately Prime Minister office के पास जाते हैं। कोई रूल्स के अंदर कोई अमेंडमेंट होनी है किसी इदारे की या किसी मिनिस्ट्री की या उसकी बॉडी की, कोई रूल्स की अमेंडमेंट होनी है तो तब भी उसमें प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, और वेरियस इस तरह की चीजों में प्राइम मिनिस्टर की असेंट चाहिए। सिमिलरली जो कानून साजी होनी है पार्लियामेंट से, तो वो कानून ने अल्टीमेटली प्रेजिडेंट सेक्रेटेरिएट में जाना है प्रेजिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, और वहां प्रेजिडेंट जब उसको प्रेजिडेंशियल असेंट देगा तो वो कानून बनेगा। अब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस दोनों टॉप नॉच इन दैट सेंस पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं, क्योंकि मुल्क में जितनी फेडरल लेवल पे पॉलिसीज बन रही हैं वो अल्टीमेटली इन दोनों इदारों को रिफर की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। अगर किसी को एग्जीक्यूटिव असेंट चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ चली जाएगी, और साथ साथ इसके अंदर सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि जब हम कवानीन की बात करते हैं तो वहां पे रोल प्रेसिडेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। सिर्फ इतनी बात आपको समझने की जरूरत है। ये दोनों सेक्रेटेरिएट जो है they are headed by principal secretaries, they are administratively headed by principal secretaries. Prime Minister office jo hai PMO ya jo Prime Minister secretariat hai usko secretariat kyun kaha ja raha hai, kyunki wo jo pura idara hai it is headed by the principal secretary to the Prime Minister, usko hum bolte hain PS to PM, principal secretary to the Prime Minister, jo pehle Fawad Hasan Fawad sahab the jinko baad mein Nawaz Sharif ke principal secretary the। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द पीएम को आप समझ लें कि ब्यूरोक्रेसी की या एग्जीक्यूटिव की सबसे टॉप नॉच पोजीशन है, क्योंकि ग्रेड 22 में आप जाके फेडरल सेक्रेटरी बनते हो लेकिन
सारे फेडरल सेक्रेटरीज में से कोई एक बंदा है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम बनता है। बिल्कुल, यासिर अहमद साहब ने ठीक कहा, आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम आजम खान साहब है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अच्छा, इसी दौरान एक साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उतना उनका ऑफ कोर्स उतना कलीदी किरदार नहीं होता पॉलिसी में, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद जब दोबारा प्राइम एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई प्रेसिडेंट से लेके, जो कि मुशर्रफ के दौर में वापस मुशर्रफ के दौर में प्रेसिडेंट के पास चली गई थी, तो 18वीं तरमीम के बाद अब चूंकि दोबारा आ गई प्राइम मिनिस्टर के पास, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, इज अ ग्रेड 22 ऑफिसर, तो पर्सनल सेक्रेटरी तो पीएम्स के होते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के, ये लेफ्ट राइट के जो लोग होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज अ वेरी सीरियस पर्सन, ये पर्सनल सेक्रेटरी तो होंगे ना, अब जिस तरह पीएम इमरान खान है तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी तो इस तरह के लोग होंगे ना, जैसे ये क्या नाम है वो दैट गाय जो इन्होंने आजकल मीडिया पे वो बैठता है, वो पहले पंजाब गवर्नमेंट में था, अब इधर आ गया है, आई फॉरगॉटन हिज नेम, जिसने फरदौस आशिक अवान को रिप्लेस किया। नहीं, नॉट फवाद चौधरी, ही इज फवाद चौधरी, गिल, यस गिल। तो वो पर्सनल सेक्रेटरी तो उनके बनते हैं उस तरह के गिल टाइप, जो कोई कार्टून टाइप होते हैं। पीएस टू पीएम इज अ वेरी वेरी सीनियर पोस्ट, ठीक है, इज अ ग्रेट 22 ऑफिसर। और सच्ची बात आपको बताऊं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, उसको पॉलिसी इश्यूज का इतना नहीं पता होता, ठीक है, उसको प्लानिंग इश्यूज का इतना नहीं पता होता, तो अल्टीमेटली पूरी पाकिस्तान को पीएस टू पीएम ही चलाता है। आप समझ लें, पीएस टू पीएम इज द एक्चुअल पीएम, वरना पीएम हिमसेल्फ इज जस्ट द फेस, वो सिर्फ नजर आता है दुनिया को। इसी तरह ही हर मिनिस्ट्री के अंदर द मिनिस्टर इज जस्ट द फेस ऑफ द मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरी मिनिस्ट्री को फेडरल सेक्रेटरी चलाता है, फेडरल सेक्रेटरी। और सारे सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम या किसी मिनिस्ट्री का फेडरल सेक्रेटरी, ये सब लोग ग्रेड 22 ऑफिसर्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर ग्रेड 22 ऑफिसर्स। अच्छा, तो ये तो हो गई प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, दोनों सेक्रेटेरिएट। इनके साथ एक फेडरल के ऊपर इदारा है जिसको हम कहते हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट। अब ये गौर से सुनिए, द फेडरल सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड देयर डिविजन्स इन द फेडरल गवर्नमेंट। करंटली पाकिस्तान हैज 34 मिनिस्ट्रीज कंप्राइजिंग ऑफ 43 डिविजन्स। अब यूजली सब छोटी मिनिस्ट्रियों में ना एक ही डिवीजन होती है, तो मिनिस्ट्री एंड डिवीजन बिकम्स द सेम थिंग। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी डिवीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उसमें दो डिवीजन है, वाटर डिवीजन और पावर डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि वो बड़ी मिनिस्ट्री है, तो उसमें रेवेन्यू डिवीजन भी है। उसी मिनिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन पहले होती थी, अब अलग कर दी इकोनॉमिक, और उसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये फाइनेंस डिवीजन भी है। तो कुछ बड़ी मिनिस्ट्रियों में तीन तीन डिवीजन्स भी हैं, कुछ में एक एक ही हैं, कुछ में दो दो हैं। तो इस तरह जो 34 मिनिस्ट्रियां हैं ना पाकिस्तान की, उनमें 43 डिवीजन है। अच्छा, जो सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी, गौर से सुनिए, वो एक डिवीजन का सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी इज द ओवरऑल हेड ऑफ अ डिवीजन, ठीक है। मिनिस्टर इज द ओवरऑल हेड ऑफ ए मिनिस्ट्री, और ज्यादातर ये चीजें इंटरचेंजेबल होती हैं। अगर तो एक मिनिस्ट्री में एक ही डिवीजन हो, तो फिर उस डिवीजन का ऑन पेपर हेड जो है वो सेक्रेटरी होता है, लेकिन चूंकि मिनिस्ट्री में डिवीजन ही एक है, तो मिनिस्ट्री एंड डिवीजन बिकम द सेम थिंग, एंड सिंस दे बिकम द सेम थिंग, तो अल्टीमेट बॉस मिनिस्टर बन जाता है, उसके नीचे फिर सेक्रेटरी आता है। अगर एक जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें अगर डिविजन है तीन, रेवेन्यू डिविजन, फाइनेंस डिविजन और इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन, फर्ज करें, तो उसमें सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन अलग है, सेक्रेटरी फाइनेंस अलग है, और सेक्रेटरी
रेवेन्यू अलग है, और इन तीनों के ऊपर एक ही मिनिस्टर होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो। अब मुझे नहीं पता आजकल सेक्रेटरी फाइनेंस कौन है, सेक्रेटरी रेवेन्यू कौन है, सेक्रेटरी ईएडी को मैं जानता हूँ वो नूर अहमद साहब है। इन सबके ऊपर एक मिनिस्टर है अब्दुल हफीज शेख। अच्छा, इस दफा ऐसे इन्होंने पहली दफा हुआ कि ईएडी को एज ए डिविजन, इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन को फाइनेंस मिनिस्ट्री में से निकाल के ईएडी को अलग मिनिस्ट्री का स्टेटस दे दिया और उसका अलग मिनिस्टर बना दिया था इन्होंने हमाद अजहर को। और बाद में जब अभी रीशफल हुआ तो हमाद अजहर को इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में भेज दिया और खुसरो बख्तियार साहब को उठा के इन्होंने इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन में ले आए, जिसको हम इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की अम्ब्रेला से निकाल के उस डिविजन को सेपरेट कर दिया और उसकी अलग मिनिस्ट्री बना दी। तो अब जो सेक्रेटरी ईएडी है वो अपने ईएडी के मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर को वैसे रिपोर्ट नहीं करते। ये है फेडरल सेक्रेटेरिएट। अब जितनी ये लाइन मिनिस्ट्रीज है ना, दीज आर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो उसने एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन प्लानिंग का काम करना है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम। ठीक, इन सब मिनिस्ट्रीज की ना कोई अटैच बॉडीज होती हैं या सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं। ये बातें लिखते जाए रूल्स में इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा फर्क है कि अटैच बॉडी कौन सी होती है और सबऑर्डिनेट। वी डोंट नीड टू गेट इट टू द रूल्स। सिंपल बात यह है कि हर मिनिस्ट्री के पास नीचे मजीद इंस्टीट्यूशन होते हैं और उन इंस्टीट्यूट असल में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का काम वो इंस्टीट्यूशन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास एक अटैच बॉडी है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, FDE जो है। उसके पास आगे हैं 440 स्कूल और कॉलेजेस। आप सब लोग जो इस्लामाबाद में पढ़े, उनमें से कईयों को FDE का पता होगा। जितने आपके FG बॉयज, FG गर्ल्स, IMCBs, IMCGs, सारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज, ये सारे इन सब इंस्टीट्यूशंस का, इन सब स्कूलिंग और कॉलेज इंस्टीट्यूशंस का पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो इनको गवर्न कर रहा है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, इन सब स्कूलों की एस्टैब्लिशमेंट, इनके रोजमर्रा के रूटीन इश्यूज, इनके पॉलिसी इश्यूज, प्लानिंग इश्यूज। और FDE की जो अपनी पॉलिसी और प्लानिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास है, क्योंकि FDE मिनिस्ट्री की अटैच बॉडी है और FDE आगे एडमिनिस्टर करता है इन सारे स्कूल्स को और उसने एस्टैब्लिश किए हुए स्कूल्स। अब यानी FDE के जो अप्रूवल्स हैं वो मिनिस्ट्री के पास जाएंगे। ठीक है जी, एक तो ये बात। इसी तरह ही और बहुत सारे इदारे हैं मिनिस्ट्रीज के और उसके। अच्छा, हर मिनिस्ट्री के पास एक रेगुलेटरी बॉडी भी है जिसके थ्रू वो ये तो अपने सरकारी इदारे हैं ना जिनको ये गवर्न करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, रन करते हैं। और वो रेगुलेटरी बॉडीज मिनिस्ट्री के अपने सरकारी इदारों को नहीं, वो दे आर मैंडेटेड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन दैट रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। मैं मिसाल देता हूँ, अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है तो उसकी है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब सारी ये जो दवाइयाँ जाली तो नहीं है, असली हैं, दवाइयों के ऊपर सर्टिफिकेट लगाना, फार्मेसीज को लाइसेंसेस देना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रजिस्टर करना, उनकी रजिस्ट्रेशन के SOPs वजा करना, उनको क्रिएट करना, ये पूरा काम है ड्रैप का। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक अटैच बॉडी है ड्रैप, और ड्रैप एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास अपने सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर, एक है ड्रैप। ड्रैप के थ्रू मिनिस्ट्री क्या करेगी कि प्राइवेट फार्मेसीज को और प्राइवेट ये जो हमारी ड्रग प्रोड्यूसिंग एजेंसीज है इनको रेगुलेट करेगी। मैं आज सुबह अपनी फार्मेसी खोलना चाहूं, मैं नहीं खोल सकता जब तक गवर्नमेंट सरकार मुझे लाइसेंस नहीं देगी। होऊंगा मैं एक प्राइवेट वेंडर, बट आई वुड नीड लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट।
जी एससीसीपी भी बिल्कुल वैसा है। अब एससीसीपी मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ आई थिंक इट्स विद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और इट्स विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वन ऑफ द टू। इट्स ऑल्सो अ रेगुलेटरी बॉडी और वो आपकी सारी फाइनेंशियल रेगुलेशन करता है। मैं अपनी मिनिस्ट्री की एग्जाम्पल देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इदारा है पीरा, आपने शायद नाम सुना, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, PEIRA। जितने ये स्कूलों को लाइसेंस, आज आपने प्राइवेट स्कूल खोलना है तो आप पीरा से, सर चाहे आप प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं लेकिन आपको सरकार से लाइसेंस चाहिए, आप पीरा आपको लाइसेंस इशू करेगा। आपने कितने एरिया पे स्कूल खोलना है, टीचर्स उसमें कितने होंगे, क्लासरूम्स कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे, बच्चों को आपने एडमिशंस किस तरह देने हैं, किताबें करिकुलम क्या पढ़ाना है, ऑल ऑफ दैट इज रेगुलेटेड बाय पीरा। और इन सब चीजों के लिए उसने, पीरा ने अपनी पूरी पॉलिसी गाइडलाइंस और एसओपीज बनाए होंगे। आपको और मिसाल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कल्चर ब्रॉडकास्टिंग है हमारी, ठीक है जी, जिसकी अभी वजीर थी वो सियालकोट वाली, क्या नाम है उनका, ऐनक लगाती है जो, नहीं पीरा डिवीजन नहीं है, पीरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है सर। फिरदौस आशिक जो थी वो जिसकी, जिस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर थी, अब उसके हमारे एक जनरल साहब हैं आसिफ गफूर साहब, उनको बना दिया, ठीक है। करंट अफेयर्स में सवाल भी आ जाता है इसका, हु इज पाकिस्तान मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ आसिफ गफूर है या आसिम बाजवा है, दोनों में से कोई एक, कौन है ये, आसिफ गफूर तो नहीं है, आसिम बाजवा। शिबली फराज साहब एमसीक्यू है आप लोगों से, किसका बेटा है शिबली फराज? ही इज सन ऑफ अ ग्रेट फादर, ही इज एन एवरेज सन ऑफ अ ग्रेट फादर। अहमद फराज, व्हाट अ पोएट अहमद फराज वाज, इज अ ग्रेट पोएट, इज अ ग्रेट पोएट। सो ये है आपका फेडरल सेक्रेटेरिएट, सबको समझ आ गया, इसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज के आगे अटैच बॉडीज हैं। अच्छा एग्जेक्टिव के इंस्टीट्यूशंस यही हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, फेडरल सेक्रेटेरिएट। सो मच सो के जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, उनको आप सेपरेटली लिख जरूर दीजिए, लेकिन आते वो उनको, वो बेसिकली आपका जो फेडरल लेवल पे सेक्रेटेरिएट है तो वो भी सेक्रेटेरिएट सी, तो वो इसी का ही हिस्सा। अच्छा अटैच बॉडीज, कोई भी बॉडी जो मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड है उसको हम अटैच बॉडी कहते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी जो है वो भी एक अटैच बॉडी है, और अटैच बॉडीज बहुत तरह की मुख्तलिफ हो सकती हैं। निशान साहब ने पूछा मिनिस्ट्री और डिवीजन में, निशान साहब डिवीजन एक मिनिस्ट्री का हिस्सा है, समझ लें एक एक बड़े इदारे को आपने छोटे इदारों में तकसीम कर दिया। जैसे आप किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उसमें डिविजन बनी हुई हैं, या सेक्शंस बने हुए हैं, या विंग्स बने हुए हैं, या डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं विद इन अ बिगर डिपार्टमेंट। तो एक मिनिस्ट्री को डिविजन में डिवाइड किया जाता है, लेकिन अक्सर और बेशतर मिनिस्ट्रीज में एक ही डिविजन होती है, लेकिन चूंकि मिनिस्ट्री बनी हुई है, चूंकि उसको हेड करता है मिनिस्टर, और डिवीजन बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए, उसको हेड करता है सेक्रेटरी, ठीक है। और ये डिस्टिंक्शन इसलिए रखी गई ताकि जो ऊपर मिनिस्टर बैठेगा, who heads the ministry, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो लिंकेज बनेगा बिटवीन दिस एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अ डिवीजन एंड द पार्लियामेंट। तो आप समझ लें कि एक डिवीजन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, उसमें और पार्लियामेंट के दरमियान जो एक लिंक है वो मिनिस्ट्री है, और उसको हेड करता है मिनिस्टर, और मिनिस्टर इन दोनों जगह का मेंबर होता है, वो मिनिस्ट्री को हेड भी कर रहा है, साथ साथ वो मेंबर पार्लियामेंट भी है।
उस मिनिस्ट्री को जब कभी कोई कवानीन बनवाने हैं तो उसका अपना एक नुमाइंदा जो उसका मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में बैठा। आज एजुकेशन का कोई कानून बनना है तो शफकत महमूद साहब जो मिनिस्टर हैं, सिंस ही इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, ही कैन टेक दैट लॉ टू द पार्लियामेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टेट मिनिस्टर कुछ भी नहीं होता जी, उसी मिनिस्ट्री के अंदर फेडरल मिनिस्टर के नीचे एक और बंदा लगा देते हैं लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, बस कुछ भी नहीं उसके पास होता। क्योंकि स्टेट कोई हमारा टियर नहीं है अलग से, फेडरल के बाद अगला टियर प्रोविंस है। तो उसी फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर जो फेडरल मिनिस्टर होता है उसके साथ ही काम करने के लिए एक साथ वाला कमरा देके एक और बंदे को बैठा देते हैं, वो भी बस ऑब्लाइज करने के लिए होता है कि उसको चूंकि फेडरल मिनिस्ट्री नहीं मिली तो एक सरकारी गाड़ी देके एक दफ्तर दे देते हैं किसी मिनिस्ट्री के अंदर, एंड दे कॉल हिम स्टेट मिनिस्टर। जी गाड़ी नौकर चाहिए सब मिल जाते हैं। चले जी नमाज ब्रेक लेते हैं, 7:31 हो गए हैं, विल कम बैक टू इट। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आई हैड अ रोल इन व्हाट? सरबत फरीद साहिबा ने पूछा है कि सर डिड यू हैव अ रोल इन इट? रोल इन व्हाट? करिकुलम में नहीं, मैं एफडीई की एग्जांपल दे रहा था। मैं आजकल एफडीई को ही देखता हूँ, सारे इस्लामाबाद के स्कूल्स कॉलेजेस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन करिकुलम ना मिनिस्ट्री का एक और अटैच्ड इदारा है, एनसीसी, उसको कहते हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इदारा है। तो वो सिर्फ उनका एक ही काम है, करिकुलम डेवलप कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, ये जो यूनिफॉर्म करिकुलम है ना। तो वही जब वो एनसीसी वाले कोई प्रपोजल्स आके देते हैं तो शफकत साहब उनको ट्वीट कर देते हैं उसी वक्त एज इट इज, कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, चलें जी ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी आई एम सॉरी, क्लास हमें 8 बजे मिलना था, 8:13 हो चुके हैं। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माय बॉस इन द ऑफिस और ही वोंट हैंग अप, तो एक वो अजीब सी सिचुएशन बन जाती है कि मैं उनको कह भी नहीं सक रहा था कि सर आप बंद कर दें फोन, एंड ही वाज जस्ट डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ही जस्ट हैंग अप और उसके बाद मैं अब कॉल में वापस आया हूँ, सो आई हैड टू रीस्टार्ट द कॉल ऑल ओवर अगेन। एनीहाउ, ओके बैक टू बिजनेस। अब हमने एग्जीक्यूटिव की इंस्टीट्यूशंस देखे, सेक्रेटेरिएट के, फेडरल लेवल के ऊपर आपके लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? एक है आपकी नेशनल असेंबली और एक है आपका सेनेट। ठीक है, और आपकी ये जो फेडरल लेवल पे आपकी दो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके ऊपर हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, इनका बेसिक काम है लॉ मेकिंग, लेजिस्लेशन इनका काम है। सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द अपर हाउस कंप्राइजेस ऑफ 104 मेंबर्स, द लोअर हाउस व्हिच इज द नेशनल असेंबली कंप्राइजेस ऑफ 272 मेंबर्स which are directly elected, और उसके ऊपर फिर कुछ डाल के मेरा ख्याल 342 members बनते हैं, जिसमें से कुछ women reserved quota की seats हैं, कुछ minorities की seats हैं, and so on and so forth। ठीक है जी, मेरा ख्याल है 50 सीटें हैं ख्वातीन की और कुछ 30 के करीब सीटें हैं minorities की, और इस तरह से फिर 80 seats आप add कर लें 272 पे, 342 के करीब सीट्स बनती हैं जो नेशनल, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन देख लें नेशनल असेंबली सेनेट की। जो बिल नेशनल असेंबली से पास होता है वो अल्टीमेटली अपर हाउस में जाता है, अपर हाउस में भी अगर उसको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट हाउस फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट। ठीक है, और बिल्स की पैसेज का प्रोसेस आप लोगों को शायद पता हो, वो ये है कि जिस मिनिस्ट्री ने भी
अपने काम से रिलेटेड कोई कानून बनवाना है तो वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को भेजते हैं। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन उस कानून को फिर वेट करती है और वेट करके वो मिनिस्ट्री को वापस भेजती है। मिनिस्ट्री उसको एक दफा फिर कंसिडर करती है और उसमें जो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के कमेंट्स हैं उसकी बेसिस पे वो चेंजेस करके दे सेंड इट बैक टू द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। फिर लॉ एंड जस्टिस डिवीजन उसको एक कानून की शक्ल देती है जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो सकता है। एंड देन द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन प्रेजेंट्स इट इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। फिर वो पार्लियामेंट के सामने आता है और उसके बाद फिर ये प्रोसेस सारा फॉलो होता है कि लोअर हाउस से पास होता है, फिर लोअर हाउस से पास होने के बाद लॉ एंड जस्टिस उसको अपर हाउस भेजती है, फिर अपर हाउस से वो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में जाता है टू बिकम अ देन अ बिल इज कन्वर्टेड इनटू अ लॉ। तो ये प्रोसेस है और नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ कोर्स दोनों आपकी मेन पार्लियामेंट्री ऑर्गन्स हैं, एक लोअर हाउस है एक अपर हाउस है। दोनों की मैंने आपको कॉम्पोजिशन भी बता दी और दोनों का पर्पस जो है ओवरऑल पर्पस इज टू मेक एंड अमेंड द लॉज, लॉ मेकिंग, मेक एंड अमेंड द लॉज, द मेकिंग ऑफ द लॉ एंड देन द अमेंडमेंट्स इन द लॉ आर बोथ ब्रॉट बिफोर दीज टू लेजिस्लेटिव बॉडीज विच इज विच आर नेशनल असेंबली एंड सेनेट। अच्छा, ये है आपकी सेकेंड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट की फेडरल लेवल पे। तीसरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो है जो जुडिशरी है उसकी फेडरल लेवल पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो ये सिविल सर्विस को और एग्जेक्टिव को जो गवर्न करता है लॉ दैट इज दी, तो उसके अंदर जो एक आपके मुझे आज अगर अपनी मिनिस्ट्री से कोई ग्रीवेंस है, मेरी मिनिस्ट्री, लेट्स इमेजिन मैं अपनी मिनिस्ट्री में हायरिंग अप्लाई करता हूँ जो कि मुझे हाउस रेंट जो मिनिस्ट्री में देती है ना उसको हायरिंग कहते हैं। मिनिस्ट्री कहती है कि जून गुजर गया अब आपको पिछले साल के पैसे नहीं मिलेंगे। मैं इसके खिलाफ अपील करना चाहता हूँ, आई वुड नॉट डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आई वुड गो टू द फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल, सर्विसेज ट्रिब्यूनल अपील करने के लिए। उस ट्रिब्यूनल में मैं जाके अपील कर सकता हूँ, सर्विस का कोई भी इंसान उसमें अपील करना चाहता है तो उसमें करता है, दिस इज एट द फेडरल लेवल। और फिर FST के फैसले के अगेंस्ट किसी ने, FST बोलते हैं फेडरल सर्विस, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन फेडरल की जो जुडिशरी का इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, वो तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हर उस बॉडी को कहते हैं विच इज जिसकी फॉर्मेशन इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उससे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, SJC। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो है जहां पे आप जजेस के ऊपर अगर कोई केस है या जजेस ने अगर ट्राई होना है तो दे विल बी ट्राइड इन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और जजेस के कंडक्ट के खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ अगर किसी ने जाना है तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएंगे। ठीक है, जिस तरह जस्टिस काजी फाइजी का केस है तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर किया हुआ है। तो हाईएस्ट बॉडीज दो ही हैं जिनका जुडिशरी से ताल्लुक है, एक सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एंड देन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। एक तीसरा और है जिसको हम फेडरल शरीयत कोर्ट कहते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट, FSC। फेडरल शरीयत कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें इजमा, कियास टाइप और इस्लाम की जहां पे इस्लामिक या शरिया का जहां पे इस्लामिक लॉ ने इनवोक होना है, उस तरह के केसेस जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में, जहां पे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इनवोकिंग ऑफ द इस्लामिक शरिया लॉ, तो दो सॉर्ट ऑफ कोई केसेस गो टू द फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, आई होप ये जुडिशरी की बात आपको समझ आ गई। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेलेट कोर्ट, एपेलेट कोर्ट, और एक कोर्ट होता है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का। फॉर इंस्टेंस, जिस कोर्ट में केसेस इनिशिएट होते हैं ना, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, क्योंकि उसकी एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है कोर्ट। और अगर उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जिस कोर्ट में होगी ना, फॉर इंस्टेंस अगर एक सिविल कोर्ट है जिसकी एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, तो सिविल कोर्ट के फैसले की या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के फैसले की अपील जो है अगर आप हाई कोर्ट में जाके करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है वो तो सिविल कोर्ट की है, लेकिन उस केस में जो एपेलेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, जिसमें उसके डिसीजन के खिलाफ जाके फिर आप ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ हाईएस्ट अपील. इस बात का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आगे आप मजीद अपील नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कोई नहीं है. कोई केस ऐसे नहीं है पाकिस्तान में, ये बात बड़ी अहम है, जो आप केस डायरेक्टली ओरिजिनेट ही सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हो, कि सबसे पहले ये केस आया ही सुप्रीम कोर्ट में. हर केस लोअर कोर्ट से ओरिजिनेट होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है. इट इज द कोर्ट ऑफ अपील्स. आई होप ये बात समझ आती है. और सुप्रीम कोर्ट के फिर जो जजेस वगैरह हैं, उनका जो उनको जो ट्राई करता है इदारा, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है. उनका कंडक्ट, उनके फैसले, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज जस्ट लाइक अ प्रोविंशियल हाई कोर्ट. लेकिन चूंकि इस्लामाबाद कैपिटल है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसना लाहौर हाई कोर्ट है पंजाब का. अब इस्लामाबाद है तो एक शहर, और शहरों के यूजुअली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होते हैं. लेकिन चूंकि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी और उसका किसी सूबे से ताल्लुक नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने एक कोर्ट जो इस्लामाबाद के लिए सेपरेट बना था उसको इन्होंने हाई कोर्ट का स्टेटस दे दिया था. अब वो सारे फेडरल की गवर्नमेंट के जितने केसेस है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं. और उसकी एक बहुत बड़ी ज्यूरिसडिक्शन है. उसको हाई कोर्ट इसलिए बनाया गया कि उसके अंदर बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछा. उसको हाई कोर्ट इसलिए बनाया गया है तो वो एक शहर का कोर्ट, और शहर की कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, विच आर हेडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. हर डिस्ट्रिक्ट का जितना एक डेप्टी कमिश्नर, एक डीसी होता है ना, उस तरह एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है. वो हेड होता है ऑफ द जुडिशरी इन अ डिस्ट्रिक्ट. इस्लामाबाद के केस में था तो ये एक शहर, लेकिन इस शहर में आपकी पूरी फेडरल गवर्नमेंट है जो कि एक सेपरेट टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है. तो उन्होंने कहा कि जब जहां पे आपका पंजाब सेक्रेटेरिएट या केपी सेक्रेटेरिएट या सिंध सेक्रेटेरिएट, यानी पूरे सूबे की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर उनके लिए पूरा एक प्रोविंशियल हाईकोर्ट डेडिकेटेड अलग से है, तो इस्लामाबाद जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास भी एक डेडिकेटेड कोर्ट होना चाहिए. अच्छा, एक और टेक्निकल बात बताता हूँ, गौर से सुने. इस कोर्ट की फॉर्मेशन या इसकी अहमियत ज्यादा महसूस तब हुई व्हेन द 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड. व्हाई? बिकॉज़ प्रोविंसेस बिकेम ऑटोनोमस एंड प्रोविंसेस बिकेम सॉर्ट ऑफ सेपरेट एंटिटीज. एंड व्हेन प्रोविंसेस बिकेम सेपरेट एंटिटीज, द केसेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट व्हिच अर्स्टवाइल, because the federal government at that time was controlling all these provincial subjects as well, therefore their cases could lie into any one of these provincial high courts, and Islamabad therefore did not need a separate high court. But when the 18th amendment was passed and the federal government became limited to just these some of these federal subjects, the provincial governments became totally autonomous, and then their dedicated high courts in the provinces then only tackled with the cases originating out of the province, right? So then there had to be, for the federal government, there had to be a separate court for the federal government which could hear the cases of the federal government, right? So therefore Islamabad High Court must not be looked at from the lens of that one city, which is Islamabad. It must be looked at from the lens of this whole huge federal government comprising of these 34 ministries and 43 divisions and their autonomous bodies and their subordinate offices and their attached bodies and so on and so forth, right? And then all of their cases and the grievances of people against these ministries and these divisions and the cases of the employees of these ministries and these divisions are now then of course referred to. There is by the way I think a district and sessions court in Islamabad as well, which is a district level, and then there is on top of that there is Islamabad High Court. So any decision taken at the district and sessions court in Islamabad can then be appealed in the Islamabad High Court. By the way, aapko main ek mazay ki aapko ek टिप दूं छोटी सी, कि आप में से जो लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं या सरकारी नौकरी में इंशाल्लाह आते हैं, तो जिसके पास है उसके पास बहुत अच्छी बात है, वरना सबको
आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हैं, लेकिन जब आप सीएसएस करेंगे इंशाल्लाह या पीएमएस करेंगे या कोई और सरकारी नौकरी पे आते हैं, अगर आप लोग एस्पायर करते हैं इस गवर्नमेंट सर्विस में आना है हर सूरत, तो आप लोग हर सूरत ना फिर लॉ डिग्री जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी सिविल सर्विस में आने के बाद अब लॉ डिग्री कर ली है मेरे, यानी मैंने 2 साल पास कर लिए हैं। मैं प्राइवेट लॉ कर रहा था साथ साथ, हालांकि मेरी फील्ड नहीं थी, पर मैंने कर लिया। अब मेरा थर्ड ईयर सिर्फ रहता है, तो मेरे पास एक ना पोस्ट रिटायरमेंट एक ऑल्टरनेट करियर भी है। और जब तक आप सिविल सर्विस करते हो तो आप बड़ी अच्छी तरह गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, उसके रूल्स और लॉज दैट गवर्न द पब्लिक सेक्टर, वो आपको बहुत अच्छे समझ आने शुरू हो जाते हैं। Do cases originate in high courts too? Yes. High court has original jurisdiction and it's a court of appeal, both. Okay, चलें जी आगे चलते हैं। ये हो गई बात फेडरल गवर्नमेंट की। अब आते हैं सूबों पे। सूबों पे आपके एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? आपका प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट। अब बिल्कुल वैसे ही एक लफ्ज में समझा रहा हूं कि जो आपका जैसे फेडरल सेक्रेटेरिएट है उसी का सूबे में जो काउंटर पार्ट है हर सूबे में वो प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है फेडरल में तो हेल्थ सॉरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है केपी, एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध, एजुकेशन डिपार्टमेंट बलोचिस्तान, एजुकेशन डिपार्टमेंट AJK, एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, आपके सूबों के अंदर या आपकी टेरिटरीज के अंदर सबके अंदर आपका उसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के काउंटर पार्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो 18वीं तरमीम के बाद अब ऑटोनोमस बॉडीज बन चुकी हैं, जिनको फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल सीक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बात याद रखिए कि जब मैंने पिछली क्लास के पहले हाफ में मल्टी लेवल गवर्नेंस पढ़ाया था ना, तो मैंने इंस्टीट्यूशन इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि NFC और 18th Amendment पढ़ाऊं और फिर एक लॉजिकल सीक्वेंस में मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊं। उसकी वजह ये थी कि बार बार मैंने 18th Amendment का तस्करा करना था और अगर हमने डिटेल में वो ना पढ़ा होता तो आप लोगों को आज ये बातें भी जो मैं समझा रहा हूँ ना समझाती। अब क्योंकि 18th Amendment में स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन और एनर्जी जैसे सब्जेक्ट डिवॉल्व के सूबों के पास आ गए थे, जिसको हम इन अदर वर्ड्स एबॉलिशमेंट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिस लिस्ट के तहत बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई हुए हुए थे जो कंकरेंटली फेडरल भी जिनको टैकल करती थी और प्रोविंस भी करते थे। जब उन सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में से निकाल दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट्स फेडरल परव्यू से निकल के सूबों के पास रह गए। कि मैं दोबारा बात समझाता हूँ, कंकरेंट लिस्ट का आप नाम सुनते होंगे, एबॉलिशमेंट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, इसका मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के एनेक्सर्स में एक लिस्ट दी हुई थी, उस लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट जैसे हेल्थ एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, एनर्जी एक सब्जेक्ट है, उसमें जो जो सब्जेक्ट्स थे उनको कंकरेंटली फेडरल गवर्नमेंट भी टैकल करती थी और सूबे भी टैकल करते थे। वो सब्जेक्ट्स जब एबॉलिश हो गए कंकरेंट लिस्ट से तो ऑटोमेटिकली वो फेडरल परव्यू से निकल गए और वो सीधा आके झोली में गिर गए प्रोविंसेस की। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट्स और उस तरह से हमने डेवोल्यूशन कर दी, वो डिवॉल्व हो गए ऑटोमेटिकली वो सारे सब्जेक्ट्स जिनमें हेल्थ थी, एजुकेशन थी, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स हैं उनमें उन्हीं जगहों का नाम ना डिपार्टमेंट है, प्रोविंस में उसको मिनिस्ट्री नहीं कहते, हालांकि उस डिपार्टमेंट को जो हेड कर रहा होता है वो मिनिस्टर होता है, लेकिन उसको हम मिनिस्ट्री नहीं बोलते। ठीक है, कभी आप ये नहीं सुनेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री पंजाब, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री पंजाब, आप सुनेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब। हाँ, उस हेल्थ डिपार्टमेंट के आगे अटैच डिपार्टमेंट्स सूबों के अंदर भी हैं, लेकिन वो जो पेरेंट है उसका नाम भी डिपार्टमेंट ही है, मिनिस्ट्री नहीं है। ठीक है, और उसको हेड एक मिनिस्टर करता है और साथ उसको नीचे सेक्रेटरी, प्रोविंशियल सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है। अच्छा, ये जो टर्म बनी है ना सेक्रेटेरिएट, ये टर्म सेक्रेटेरिएट को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ Several these secretarial institutions, जिनको आप ये secretarial institutions क्या हैं, ministry या province में उसको department कहते हैं, and all of these are administratively headed by a secretary. और secretary is a civil servant, या वो DMG का अफसर है या OMG का अफसर है। ठीक है, सूबे में ज्यादातर DMG का है, federal में OMG के अफसरान होते हैं, office management group के।
ठीक है जी, यहां तक किसको बात नहीं समझ आई? नहीं, आप रिट पिटीशन दायर करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में, उस पे अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जी बताइए। समझ आ गई यहां तक बात सबको? अब प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट जो है उसमें सारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, सारे, हर डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली एक सेक्रेटरी हेड कर रहा है, दैट्स अ प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है उसका यहाँ पे प्रोविंस में काउंटर पार्ट है गवर्नर हाउस, ठीक है जी। और इसी तरह ही जो पीएम सेक्रेटेरिएट है उसका हर सूबे के अंदर काउंटर पार्ट है सीएम सेक्रेटेरिएट, विच इज हेडेड बाय सेक्रेटरी टू सीएम, विच इज हेडेड बाय सेक्रेटरी टू सीएम, हेडेड बाय अ सेक्रेटरी टू सीएम। अच्छा, ये हो गए एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। काम सूबे के अंदर भी वही है जो पॉलिसी प्लानिंग का, द सीएम सेक्रेटेरिएट इज द हेड ऑफ द एग्जेक्टिव इन द प्रोविंस, जस्ट लाइक द पीएम इज द हेड ऑफ द एग्जेक्टिव इन द इन पाकिस्तान, द सीएम इज द हेड ऑफ एग्जेक्टिव इन द प्रोविंस, ठीक है जी। और प्रोविंस के अंदर जो प्लानिंग है, जो पॉलिसी है, जो सारे सेक्रेटेरिएट के अप्रूवल्स हैं, उनकी अल्टीमेटली जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो या जो प्रिंसिपल पॉलिसी एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है, दैट इज द सीएम सेक्रेटेरिएट, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द प्रोविंस। अच्छा, ये हो गया सारे प्रोविंसेस का जो एग्जीक्यूटिव है। इसके साथ है सूबों की जुडिशरी, उसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स जो हैं हर सूबे के अंदर, वो जुडिशरी का हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है। तीसरा सूबों के अंदर चीज है जो हमारा लेजिस्लेचर है। अच्छा, लेजिस्लेचर की इंटरेस्टिंग चीज सूबे में ये है कि लेजिस्लेचर, एक बात याद रखिए, पता नहीं इस डिस्टिंक्शन के ऊपर कभी आपने गौर किया है कि नहीं, कि पाकिस्तान का बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। मेरा ख्याल है बीच में शायद 1962 का आइन जो था, इसको कंफर्म कीजिएगा, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल था उसने यूनिकैमरल लेजिस्लेचर प्रपोज किया था फेडरल लेवल पे। जी जी, डॉक्टर ब्रेशना खान ने पूछा है डिफरेंट सेक्रेटरीज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। जी डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ऐसे ही है। यासर साहब ने पूछा है हर डिवीजन का सेक्रेटरी होता है मारूफ, ओके, ये पूछा नहीं है, ये उन्होंने किसी को जवाब दिया है। सर, पूरे सेक्रेटेरिएट में एक ही सेक्रेटरी होगा? अगर तो आप सीएम सेक्रेटेरिएट का मारूफ शाह साहब पूछ रहे हैं तो बिल्कुल एक ही सेक्रेटरी होगा। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं वैसे सेक्रेटेरिएट का, जो प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है जिसको हम, इस तरह पंजाब में उसका नाम है पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, फेडरल में उसको कहते हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं या उसको पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं, पंजाब में उसका नाम है पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट। उस सेक्रेटेरिएट में तो वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिविजन है ना, तो हर डिविजन का अलग सेक्रेटरी होगा, हर मिनिस्टर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होगा सूबे के अंदर। लेकिन जो अगर आप सीएम सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं तो जी बिल्कुल उसका एक ही सेक्रेटरी है। अगर आप पीएम सेक्रेटेरिएट की बात करें तो उसका भी एक ही सेक्रेटरी है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। मैं ठीक बोल रहा था मैडम फरा? आप ठीक कह रहा था, चलो अच्छी बात। ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की बता दूं, ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की आपको जानने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि आपका जो सारी, देखिए एक हायरार्की आपकी फील्ड जॉब्स की, एक हायरार्की आपकी सेक्रेटेरियल जॉब्स की। हम चले सेक्रेटेरियल, चूंकि हम
हमारा ताल्लुक पॉलिसी से है यहाँ पे, तो हम सेक्रेटेरिएट में पॉलिसीज बनती हैं, हम उसी की बात करते हैं। सेक्रेटेरिएट में ऐसे या सूबों में भी और फेडरल में भी। फेडरल में क्या है, फेडरल में ये है कि अगर आप सीएसएस करके आते हैं या आप किसी भी फील्ड से आ रहे हैं, मैं ऑफिसर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे नीचे नहीं जा रहा। 17th ग्रेड में आप सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 18th में भी आप सेक्शन ऑफिसर होते हैं लेकिन आप सीनियर एसओ हो जाते हैं, 19th में आप ग्रेड 19 में आप डेप्टी सेक्रेटरी होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेक्रेटेरिएट में किसी भी मिनिस्ट्री में है, किसी भी डिवीजन में है, सेम अक्रॉस द बोर्ड। 19 में यू आर डेप्टी सेक्रेटरी, 20 में यू आर ज्वाइंट सेक्रेटरी, 21 में यू आर एडिशनल सेक्रेटरी और सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ग्रेड 22 में यू आर फुल फेडरल सेक्रेटरी। ठीक है, सूबों के अंदर क्या है, ग्रेड 17 में यू आर सेक्शन ऑफिसर, वहां पे सीनियर एसओ वगैरह 18वें में एसओ नहीं होता, 18वें में सूबे में डिप्टी सेक्रेटरी होता है, जबकि फेडरल का डिप्टी सेक्रेटरी इज अ ग्रेड 19 ऑफिसर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ग्रेड 18 में यू हैव द डिप्टी सेक्रेटरी, ग्रेड 9 अच्छा सूबे में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं होती, तो ग्रेड 19 में सूबे का एडिशनल सेक्रेटरी होता है और ग्रेड 20 में सूबे का फुल सेक्रेटरी होता है। यानी समझे कि फेडरल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी इज अ ग्रेड 20 ऑफिसर, वेयर एज इन द प्रोविंस अ ग्रेड 20 ऑफिसर मींस अ ग्रेड 20 ऑफिसर इन द प्रोविंस इज अ फुल सेक्रेटरी, जिसको हम प्रोविंशियल सेक्रेटरी कहते हैं। तो सूबे का सेक्रेटरी 20वें ग्रेड का होता है और फेडरल का सेक्रेटरी 22वें ग्रेड का होता है। ये हायरार्की है, आई होप समझ आ गए। अच्छा, मैं वापस उस पे आता हूँ, लेजिस्लेचर पे, प्रोविंस में जुडिशरी और हम एग्जेक्टिव को सूबे में देख चुके हैं, लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे थे। सूबे के अंदर लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट बात यह, 1962 के आइन ने यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात की थी, 56 का आइन और जो हमारा फाइनल 73 का आइन है, उन दोनों में हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। बाइकैमरल का मतलब है टू टीयर, जो हमने अभी शुरू में बात की, अपर हाउस लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट वॉज बाइकैमरल, यानी कैमरल का मतलब है उसके लेवल्स दो, बाय का मतलब है दो। अच्छा, जो हमारा आइन है ना, तिहत्तर का, वो बाय कैमरल कहता था। अच्छा, लेकिन सूबे जो है, इंपॉर्टेंट बात, सूबों में आपने पता नहीं ये बात कभी गौर की है कि नहीं, कि सूबों में लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। कभी सुना है आपने पंजाब का सिर्फ सेनेट है, या सिंध का जो सेनेट है, या पंजाब का जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब, प्रोविंशियल असेंबली सिंध, प्रोविंशियल असेंबली बलोचिस्तान, जबकि आपका जो अपर हाउस है जिसका सेनेट है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट की इलेक्शन जो है उसमें ये लोग वोट डालते हैं प्रोविंशियल असेंबली से, क्योंकि उसमें प्रोविंशियल नॉमिनीज होती हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर फिर वोट डालते हैं। अगर आपको किसी पार्टी ने अपनी सेनेट की टिकट देनी है तो हर पार्टी को जो सेनेट की सीट्स मिलती हैं वो मिलती हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली, और फिर प्रोविंस से नॉमिनी होते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के अगर सिंध में बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के, तो पीपल्स पार्टी को सिंध की अपने प्रोविंशियल असेंबली की प्रोपोर्शन में 3 या 4 सीटें सेनेट की मिली होंगी, फिर उन 3-4 सीटों के अगेंस्ट पीपल्स पार्टी अपने बंदे नॉमिनेट करेगी। ठीक है, और उसकी वोटिंग जो है वो सिंध असेंबली के अंदर होगी। सिमिलरली पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, तो पंजाब में पीटीआई के मेंबर्स एमपी ज्यादा हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के हैं, तो इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेंबर्स इन द प्रोविंशियल असेंबलीज वो लोग उनको सेनेटर्स मिलेंगे और वो अपनी पार्टी के अंदर सेनेटर्स नॉमिनेट करेंगे, और उसके बाद फिर उसकी वोटिंग पंजाब असेंबली के अंदर होगी। ठीक है, और फिर इलेक्ट हो रहे हैं लोग फेडरल के अपर हाउस में। क्यों, गौर कीजिए, सेनेट जो अपर हाउस है उसके अंदर मेंबरशिप होती है थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट क्या है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं हो रही। इनडायरेक्ट क्यों हो रही है कि आपने और मैंने उन सेनेट के मेंबर्स को डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट नहीं किया, हमने पहले एमपीएस को इलेक्ट किया प्रोविंशियल असेंबलीज में और उन एमपीएस ने अपनी मर्जी से वोट डाल के आगे सेनेटर्स को इलेक्ट किया, तो सेनेटर्स इसका मतलब है इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए। लेकिन जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, व्हिच इज नेशनल असेंबली, उसके मेंबर जितने हैं उनको हम जनरल इलेक्शन में वोट डाल के खुद इलेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, तीसरे टीयर पे आ जाते हैं
Yasir Saab, you're absolutely right. They do not elect them through direct election. MPs elect them through horse trading. बिल्कुल आप ठीक हैं। ये भी आपको पता है हमारे करंट चेयरमैन ऑफ द सेनेट के इलेक्शन में 2018 में क्या हुआ था? ये जो क्या नाम है इनका, सादिक संजरानी साहब, पढ़िए ना उसके ऊपर कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हुई। मेरा नहीं ख्याल सेनेट के लिए नेशनल असेंबली के लोग वोट करते हैं, फिर भी डबल चेक कर लें इसको, बट मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता। सर ग्रेट 22, सर ग्रेट 21 भी नहीं एग्जिस्ट करता प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट में, 22 तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आते हैं लोकल गवर्नमेंट्स पे। नेशनल असेंबली वोट करता है सेनेटर्स के लिए, फिर करता होगा, फिर वो देख लीजिए इसकी वोटिंग के क्या वो होता है मामला, अगर तो करता है। जी जी, पीएमएस वालों की टॉप पोजीशन 20 है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही तो फर्क है सीएसएस और पीएमएस कि पीएमएस का प्रमोशनल स्ट्रक्चर तेज जरूर हो गया है और वो पहले की निस्बत 20 तक अब बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। पहले तो होता था ना कि जिस तरह सीएसएस वाला रिटायरमेंट के करीब 22वें में जाता है, तो पीएमएस वाला रिटायरमेंट के करीब 20वें में जाता था। अब ये है कि उनकी प्रमोशन सीएसएस की तरह ही होती है। लेट्स इमेजिन एक सीएसएस वाला अर्ली 40s या मिड 40s में ग्रेट 20 में चला जाता है, 40 वो 26-27 साल की एज में सर्विस में आया है, और अगर उसको 5 साल लगे 18वें में जाने में, 7 साल लगे 19वें में जाने में, फिर मजीद 5 साल लगे या 4 साल लगे या 5 साल लगे 20वें में जाने में, अगर आप अपने सर्विस में आने के 16 या 17 साल बाद आप ग्रेड सर्विस में आने के 16-17 साल बाद आप ग्रेड में चले जाते हो 20 में, ठीक है। Let's imagine, मैं सर्विस में आया था 28 की एज में, तो मुझे 17 साल होंगे when I'll be 45, ठीक है। मैं 45 की एज में अगर ग्रेड 20 में चला जाता हूं, तो पीएमएस वाला 47 जो मेरी एज में ही पीएमएस किया ना जिसने 28 में, वो 47 में आ जाएगा, 48 में आ जाएगा। सिर्फ फर्क यह है कि उसने फिर 20वें से आगे नहीं जाना, ठीक है। मैं 45-6 के बाद 60 तक मुझे ग्रेड 21 भी मिल सकता है, मुझे 22 भी मिल सकता है। जो पीएमएस वाले हमारे साहब होंगे, वो अगर 47-8 में जाके 20वें में आ गए हैं ना, या 50 में जाके 20वें में आ गए हैं, तो फिर वो 60 तक 20वें में ही रहेंगे, ठीक है जी। ओ जी जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। फेडरल और फाटा के सेनेटर्स के लिए उनकी कोई प्रोविंशियल असेंबली नहीं है ना, मुझे लगा कि आप लोग कह रहे हैं कि इन्हीं सूबों के लिए भी वो करते हैं। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। मैं क्वेश्चन गलत समझा था। प्रोविंस, ये देखिए, जिस बंदे का आपका, इसका डोमिसाइल पंजाब का है या सिंध का है और वो सूबे से सेनेट के लिए कर रहा है, तो उसकी तो प्रोविंशियल असेंबली करेगी ना, उस केस में उस बंदे के लिए नेशनल असेंबली नहीं करेगी। हाँ, अगर आप किसी सूबे की सीटों की बात नहीं कर रहे, तो वो ये जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेट एरियाज हैं जैसे फाटा है और ये वो, इनके लिए तो बिल्कुल होगा, एब्सोल्युटली होगा। हाँ जी, फाटा और इस्लामाबाद के लिए बिल्कुल ऐसे। चले जी, आगे चलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रही हैं मैडम। सुबक्तगीन इज अ फीमेल नेम, राइट? इज अ मेल नेम, आई एम सो सॉरी। आप ठीक कह रहे हैं सर, आप ठीक कह रहे हैं सर। मुझे नाम से लगा कि इट्स अ फीमेल नेम। तो आप ठीक कह रहे हैं सर, सुबक्तगीन साहब, के कुछ लोग 21 में चले जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। सूबों के अंदर एक और सीट है, 2-3 और सीटें हैं। वैसे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट की हाईएस्ट सीट क्या है, मैंने कहा 20वां। पीएमएस की हाईएस्ट सीट क्या है? 20वां। क्यों?
असूली तौर पे 20वां है, क्योंकि 99.9% लोग 20वें में जाएंगे। पूरे सूबे में अगर 4000 या 3000 पीएमएस अफसर है ना पंजाब में फॉर इंस्टेंस, तो टोटल 2 सीटें हैं 3 सीटें हैं 21वें की, ठीक है, अनलेस किसी पीएमएस वाला कोई ब्लू आइड हो और उसको 21वें प्रमोट करके फेडरल गवर्नमेंट की किसी सीट पे भेज दे। वो ये है कि आपकी एक होता है मेंबर बीओआर सूबे में, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक होता है सूबे के अंदर आपका चेयरमैन पीएनडी, एक होता है चीफ सेक्रेटरी। चेयरमैन पीएनडी चीफ सेक्रेटरी दोनों ग्रेड 21 की भी नहीं, वो 22वें की पोस्टें हैं और सूबे के अंदर है, लेकिन तारीख ये बताती है कि हमेशा पैस वालों को मिलती है, पीएमएस वालों को नहीं मिलती। पीछे रह गया मेंबर बीओआर, वो भी 22वें की पोस्ट है, मुझे नहीं लगता वो कभी किसी को मिली है। शायद इसके अलावा सूबे में 2 या 4 21वें की कोई पोस्टें हो, मुझे नहीं पता चल जेन में आ रही इस वक्त कौन सी। हाँ, 21वें की जैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, चलें अच्छी मिसाल जेन में आ रही, वो भी ज्यादातर पैस वालों को मिलती है। अगर कभी कोई पीएमएस वाला अच्छा वेल कनेक्टेड हो सूबे के अंदर तो वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन जाता है। चीफ सेक्रेटरी 22वें का होता है, ACS जो है सूबे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो ग्रेड 21 का होता है। अगर कोई सूबे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनता है पीएमएस वाला, तो फिर उसको पीएमएस वाला 21 पे भी चला जाता है। उस तरह की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरह की 2-4-5 पोस्टें और लगा लें, तो बस वही होती है 21वें की। चीफ सेक्रेटरी इज अ ग्रेड 22 पोस्ट। चले जी, इसके बाद तीसरा टीयर है आपका लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर आपके पास क्या चीजें आती हैं? लोकल गवर्नमेंट्स में आपके पास आता है आपका, आपकी लोकल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव की इंस्टीट्यूशंस क्या है, आपका ऑफिस ऑफ द डेप्टी कमिश्नर, उसके नीचे है ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उससे ऊपर है अगर हम डिविजन की बात करें। अब ये मैं वो सेक्रेटेरिएट वाले डिवीजन की बात नहीं कर रहा, ये डिस्ट्रिक्ट वाले डिवीजन की बात कर रहा हूँ। आपको ये बात पता है ना कि लोकल लेवल पे सबसे बड़ा यूनिट है, यूनिट क्या है, डिवीजन। डिवीजन के नीचे होता है जैसे लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, ठीक है जी, मुल्तान डिवीजन, ये सारी डिवीजन है। डिवीजन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट होती है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, ठीक है, ठीक है, पेशावर डिवीजन। अब एक डिवीजन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ। लाहौर डिवीजन जो है उसके अंदर लाहौर डिस्ट्रिक्ट भी है, उसके अंदर शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक। इस बात का मतलब ये है एक तीसरी डिस्ट्रिक्ट भी है लाहौर में, मेरे ख्याल 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लाहौर डिवीजन के अंदर आती है। अब याद रखिए, डिवीजन इज एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय, फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव स्टैंडपॉइंट इज हेडेड बाय अ कमिश्नर, जो कि पैस का ऑफिसर होता है, कमिश्नर होता है डिवीजन का। कमिश्नर इज ऑल्सो अ ग्रेड 20 ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय, जो कि डिवीजन के अंडर होती है, इज हेडेड बाय डीसी, डिप्टी कमिश्नर। डीसी के नीचे जो तीसरा यूनिट है डिस्ट्रिक्ट के नीचे, वो है तहसील। तहसील इज हेडेड बाय अ, इज या जिसको पहले टाउन भी बोलते थे, इज हेडेड बाय एन एसी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कराची नॉर्थ वेस्ट के अगर अलग अलग डीसी है ना, कराची नॉर्थ का डीसी अलग है, कराची साउथ का डीसी अलग है, तो उनके पास अलग डिस्ट्रिक्ट्स का स्टेटस है अंडर द कराची डिवीजन। और अगर वेस्ट और नॉर्थ का मुझे पता नहीं, अगर उनके एसीज हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उसके पास डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं है, उसके पास तहसील का स्टेटस होगा। डिविजन हेडेड बाय कमिश्नर जी, और डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर, और तहसील हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर, एसी जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ही जो पुलिस के काउंटर पार्ट होते हैं उसमें हम नहीं जाते। डिस्ट्रिक्ट पे डीपीओ होता है, उससे नीचे डिविजन के लेवल पे आरपीओ होता है, उससे नीचे डीपीओ होता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, और उससे नीचे तहसील के लेवल पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एएसपी एएसपी। अच्छा, उसके साथ ये तो हो गए एग्जीक्यूटिव के इंस्टीट्यूशन।
उसके साथ आपकी आ गई जुडिशरी, इसको हम अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है, उस व्हिच इज हेडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और जब आप तहसील के लेवल पे आते हैं तो उस पे आपका सिविल कोर्ट्स हैं हेडेड बाय सिविल जजेस, ठीक है। तो आपको साथ साथ नजर आ रहा है। अब देखें, आपको मैंने खाली तीन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं समझाया, उनका पूरा इंस्टीट्यूशनल ढांचा या स्ट्रक्चर नहीं समझाया, मैंने आपको तीनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करके इंस्टीट्यूशंस को समझाया। आई होप अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। तो लोकल लेवल पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर जुडिशरी के काउंटर पार्ट कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव के काउंटर पार्ट कौन से हैं, अब तीसरे मैं समझाने लगूं लेजिस्लेचर के काउंटर पार्ट कौन से हैं। अब लेजिस्लेचर को हम ले लेते हैं, जो लोकल लेवल पे लॉ मेकिंग तो नहीं होती, लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस की थी, नाजिम या काउंसलर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका मेयर है, और तहसील लेवल के ऊपर आपका टाउन मेयर या उसको टाउन नाजिम जो, या टाउन एडमिनिस्ट्रेटर, उसको आप ले लें। अच्छा, माजी में कुछ जिला काउंसिल्स बनती थी, जिला काउंसिल, जिला कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, जिला काउंसिल बनती थी या तहसील काउंसिल बनती थी। तो वो जो जिला काउंसिल होती थी, वो काउंसिल यूज्ड टू बी लाइक एन असेंबली, तो वो अपने जिले के लेवल पे सिर्फ रेवेन्यू स्पेंडिंग की हद तक, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पैसे लगाने हैं, वो कानून तो नहीं बनाते थे, लेकिन वो जिले के लेवल पे पॉलिसी इश्यूज उस काउंसिल में डिस्कस होते थे, और उस काउंसिल की मेंबरशिप्स होती थी, व्हिच यूज्ड टू बी हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेयर, और उसके अंदर जिले में से मेंबर्स चूज कर लिए जाते थे, ठीक है। तो ये भी माजी में प्रोसेस बहरहाल रहा, तो वो उसको आप समझ लें कि वो लेजिस्लेचर का काउंटर पार्ट है, जिला काउंसिल या तहसील काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील के लेवल पे। अच्छा, इसमें से एक तरह के इंस्टीट्यूशंस मैंने मिस कर दिया, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और जिनका मैंडेट है अकाउंटेबिलिटी, वो ना लेजिस्लेचर का हिस्सा है, ना जुडिशरी का डायरेक्ट हिस्सा है, और ना वो आपकी एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टली हिस्सा है, वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। उनमें आप एग्जांपल ले लें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की, जिसने इन तीनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, ठीक है। इन तीनों से एनफोर्समेंट भी करानी है, दो बातें होती हैं अकाउंटेबिलिटी के, दो जुज हैं, गौर से लिख लीजिए, एनफोर्समेंट और आंसरेबिलिटी। दे हैव टू एनफोर्स द लॉ अपॉन दीज पीपल एंड देन मेक देम आंसरेबल, ठीक है। तो उसमें अब अहम मिसालें कौन सी हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक नेशनल लेवल का, फेडरल लेवल का इदारा है, और उसके बिल्कुल साथ साथ है आपका ओम्बड्समैन ऑफिसेस, जहां ज्यादातर सरकारी लोगों के खिलाफ लोगों की ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल होता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं एंड देन दे आर मेड आंसरेबल और सम सॉर्ट ऑफ एनफोर्समेंट इज इंश्योर्ड थ्रू देम। ओम्बड्समैन ऑफिसेस में आपका फेडरल ओम्बड्समैन है, आपका उसमें आपका फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन भी है, एक आपका विमेन्स ओम्बड्समैन भी है, जो औरतें इश्यूज फेस कर रही है उसमें एक विमेन ओम्बड्समैन भी बना हुआ है, और फिर आपके प्रोविंशियल ओम्बड्समैन भी है, ठीक, जिसको आप उर्दू जुबान में फेडरल में जो है वफाकी मुहतसिब कहते हैं, मुहतसिब ओम्बड्समैन को कहते हैं, और प्रोविंस में आप सूबाई मुहतसिब कहते हैं, ठीक, और टैक्स वाले को आप टैक्स मुहतसिब कहते हैं, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एक और बात याद रखिए, ये जो इदारा है ना आपका वफाकी मुहतसिब, मुहतसिब इदारे का भी नाम है, और इसको जो बंदा हेड करता है उसको भी मुहतसिब ही बोलते हैं, क्योंकि वो एहतसाब कर रहा होता है, एहतसाब का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। जो आपका वफाकी मुहतसिब है बंदा, जो भी आपका आजकल पाकिस्तान का फेडरल ओम्बड्समैन है, दैट ओम्बड्समैन इज नॉट अ ग्रेट 21 ऑफिसर, इज नॉट अ ग्रेट 22 ऑफिसर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दैट इज अबव द ग्रेड्स। ऐसे प्राइम मिनिस्टर का कोई ग्रेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है कि उनको हायर कैसे करना है और कौन कौन जजेस बन सकते हैं। इट्स अ हाई कोर्ट के जजेस की भी कोई ग्रेड नहीं होता, इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस का ग्रेड नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। सिमिलरली आपके जो ओम्बड्समैन है, इनका भी ग्रेड कोई नहीं है, दे आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आपका एक और आपको और बात करता हूँ, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब ये भी आपके एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल्सो सीईसी,
इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ना वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है, ना एग्जेक्टिव का, ना जुडिशरी का, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। चूंकि वो एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है तो इसलिए इट्स नॉट अ ग्रेडेड पोस्ट, इट्स नॉट अ ग्रेडेड पोस्ट, ना वो 21वें का होता है ना भाई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका इलेक्शन और कौन उसको इलेक्ट कैसे होगा, उसका पूरा प्रोसेस आईन के अंदर वजा किया गया है, विच इज वाई इट इज अ कौन। तो जो पोस्ट नाम से आईन के अंदर मेंशनड है, इट्स कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और वो कभी ग्रेडेड नहीं होती, ठीक। उनको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अम्बड्समैन भी बता दिया, इलेक्शन कमिश्नर भी बता दिया। अम्बड्समैन वाली बात पे आज हम स्टॉप करेंगे और इससे हम लिंक करेंगे अपना अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक, विच विल बी आवर फर्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। उस पे हम सिर्फ 30-45 मिनट स्पेंड करेंगे और वहां से हम प्लानिंग कमीशन की तरफ चले जाएंगे। मेरी कोशिश थी कि आज ही मैं अकाउंटेबिलिटी के 30-40 मिनट स्पेंड करके, उस पे अक्सर एक 20 नंबर का सवाल आ जाता है, उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे, उसकी 5-6 हेडिंग्स हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन वो हुआ ये कि आज हमने एग्जाम टेक्निक्स पे पहले 45 मिनट्स लगा दिए तो वो नहीं हो सका। अब मैं अगर अभी वो टॉपिक शुरू करूंगा तो फिर हमारी क्लास 10 बजे तक चली जाएगी। तो आज यहाँ पर रोकते हैं, 9 बज गए हैं। अकाउंटेबिलिटी से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और अकाउंटेबिलिटी से हम फिर प्लानिंग करेंगे, और फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास सिर्फ हमारी थ्योरीज बच जाएंगी जो हम लास्ट क्लास में करेंगे। सो वी नीड 2 मोर लेक्चर्स, अगला और उससे अगला, ठीक है जी। आज हमारा मेरा ख्याल 6th लेक्चर था, तो 8 लेक्चर्स पे चला जाएगा हमारा सिलेबस, ठीक है जी। रोकते हैं फिर आज यहाँ पर, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, खुश रहें, बात रहें, और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू लाइक टुडेस क्लास। गवर्नेंस के लिए आर्टिकल बता दूं, किस कौन सी गवर्नेंस के लिए, सॉरी, गुड गवर्नेंस, जी मिनिस्टर, हर मिनिस्ट्री का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता वो भी ऑब्लाइज करने के लिए बस एक पोस्ट बनी भी है। पार्लियामानी सेक्रेटरी का ये काम है कि जब क्वेश्चन आवर वगैरह होता है ना पार्लियामेंट में, तो उसने उस मिनिस्ट्री के ऊपर पार्लियामेंट को, उस मिनिस्ट्री के कामों में पार्लियामेंट को अपराइज करना होता है, जो कि बेसिकली मिनिस्टर का भी यही मोरल लेस काम होता है। तो आप एक तरह से समझ लें कि उसने मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अंदर असिस्ट करना होता है ऑन द वर्किंग ऑफ दैट सर्टेन मिनिस्ट्री। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हेल्थ का कोई मिनिस्टर है और साथ हेल्थ का पार्लियामानी सेक्रेटरी जो है, वो क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी हिमसेल्फ कैन नॉट गो इन टू द पार्लियामेंट, तो वो आप हेल्थ सेक्रेटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना सारा मिनिस्ट्री का, वो पार्लियामानी सेक्रेटरी को दिया जाएगा, और पार्लियामानी सेक्रेटरी जाके मिनिस्ट्री में जब क्वेश्चन सेशन होता है ना, क्वेश्चन आवर होता है, तो उसमें मिनिस्टर अगर कोई चीज नहीं आंसर कर पा रहा या मिनिस्टर को कोई असिस्टेंस चाहिए पार्लियामेंट में, तो वो पार्लियामानी सेक्रेटरी ने प्रोवाइड करनी है। तो दैट्स द प्रोसेस। पार्लियामानी सेक्रेटरी इज ऑफ कोर्स एन एमएनए मेंबर नेशनल असेंबली, नॉट गुड इनफ टू बिकम अ मिनिस्टर। उनको जो मिनिस्टर नहीं बन सकते उसको पार्लियामानी सेक्रेटरी बना देते हैं, ठीक है। ज्यादातर रूलिंग पार्टी के जो यंग पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, रूलिंग पार्टी के यंग पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं जिनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, उनको पार्लियामानी सेक्रेटरी बना देते हैं। और फिर उससे ये होता है कि वो एक आधी हुकूमत पार्लियामानी सेक्रेटरी रह के वो जरा एक्सपीरियंस लेते हैं, जिंदगी में कभी दोबारा एमएनए बन जाए तो, और उनकी पार्टी की हुकूमत भी आ जाए तो फिर उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।